एक महान कलाकार जिन्होंने अपनी बेहतरीन अदाकारी से सुपरस्टार का दर्जा पाया, जिनका नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। हम बात कर रहे हैं हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता मुगले आजम के सलीम की, सबके चहेते यूसुफ साहब उर्फ दिलीप कुमार की, जिन्हें लोग ट्रेजेडी किंग के नाम से भी जानते हैं। दिलीप साहब का जन्म 11 दिसंबर 1922 को पेशावर में हुआ, जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है। उनके बचपन का नाम मोहम्मद यूसुफ था। उनके पिताजी का नाम लाला गुलाम सरवर था। दिलीप साहब के पिताजी फल और सब्जियां बेचकर अपने परिवार का खर्च उठाते थे। भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद इनका परिवार मुंबई आकर बस गया। यहां आने के बाद उनके आर्थिक हालात अच्छे नहीं थे। पिता को व्यापार में घाटा हुआ तो दिलीप साहब को पुणे की एक कैंटीन में नौकरी करने को मिली। इसके साथ ही कुछ लोग ये भी कहते हैं कि राज कपूर और दिलीप साहब दोनों अच्छे दोस्त थे और दिलीप साहब अपने पिताजी से नाराज होकर भारत आ गए थे और कैंटीन में नौकरी करने लगे। वहीं उन पर देविका रानी की नजर पड़ गई। देविका रानी ने ही उन्हें फिल्मों में काम करने के लिए बोला और वो अभिनेता बन गई। देविका रानी ने ही यूसुफ नाम बदल कर दिलीप साहब को दिलीप कुमार नाम दिया। दिलीप कुमार जब अभिनेता बने तब उनकी उम्र महज 25 वर्ष थी। 1966 में दिलीप साहब ने एक्ट्रेस सायरा बानो से शादी की। जब उन दोनों की शादी हुई तब दिलीप कुमार की उम्र 44 साल थी और सायरा बानो महज 22 वर्ष की थी। हालांकि दोनों के बीच उम्र का फासला बहुत था, लेकिन ये कपल बॉलीवुड का सबसे ज्यादा प्यार करने वाला कपल माना जाता है। अच्छे अच्छे प्यार करने वालों के लिए मिसाल मानी जाती है दिलीप और सायरा बानो की जोड़ी। ऐसा भी कहा जाता है कि बच्चे की चाहत में उसके बाद उन्होंने साल 1980 में दूसरी शादी आसमा से की, लेकिन ये शादी 2 साल बाद ही टूट गई। दिलीप साहब की पहली फिल्म 7 जुलाई 1944 को आई, जिसका नाम था ज्वार भाटा। उसके बाद उन्होंने दूसरी फिल्म जुगनू की, जो हिट हो गई और दिलीप साहब रातों रात सुपरस्टार हो गए। इसके बाद दिलीप साहब ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और फिर उन्होंने अंदाज, दीदार, जोगन और दाग जैसी कई हिट फिल्में दी। दाग फिल्म के लिए उन्हें पहली बार फिल्म फेयर का बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला। उसके बाद देवदास, कोहिनूर, क्रांति जैसी कई फिल्मों में अपनी अदाकारी से उन्होंने दर्शकों के दिलों पर राज किया। करीब 2 दशक तक हिंदी सिनेमा पर राज करने के बाद 70 के दशक में अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना जैसे कलाकारों की एंट्री हुई तो दिलीप जी को काम मिलना मुश्किल हो गया। फिर उन्होंने 5 साल के लंबे ब्रेक के बाद साल 1981 में फिल्म क्रांति से धमाकेदार वापसी की। फिर 1991 में सौदागर और 1998 में किला जैसी फिल्मों में काम किया। उनकी फिल्म मुगले आजम साल 2008 तक सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म रही। फिर उन्होंने फिल्म जगत से संन्यास ले लिया। दिलीप साहब राज्यसभा के सांसद भी रहे। दिलीप कुमार को भारतीय फिल्मों में यादगार अभिनय करने के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से और पद्म भूषण, पद्म विभूषण जैसे पुरस्कारों से भी नवाजा गया। इसके अलावा उन्हें पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशाने इम्तियाज से भी नवाजा गया है। ये सम्मान पाने वाले दिलीप जी दूसरे भारतीय थे। इससे पहले प्रधानमंत्री मुरारजी देसाई को ये अवार्ड दिया गया था। दिलीप साहब का नाम सबसे ज्यादा अवार्ड पाने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। लंबी बीमारी के बाद दिलीप जी का 7 जुलाई 2021 को निधन हो गया, लेकिन आज भी हिंदी सिनेमा जगत उन्हें अच्छे इंसान और बेहतरीन अदाकार के तौर पर याद करता है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।